ब्याह कर ले तेने 16,108 ब्याह कर ले, पर एक ब्याह में नोता नहीं रही सको। 16,000 इतने ब्याह कर ले। कन्हैया बोले गलती है इस नाम भैया, माफ कर दे। चलो कोई बात नहीं, गलती है गई। अरे कन्हैया बोले तो सुदामा भैया, तो फिर तो हमारी भाभी ने कुछ भेजो होगा। अब देखो सुदामा जो कंबल लेके गए थे जो चावल, उन्हें छुपा रहे हैं। पता है क्यों? कि सोने के मेले में रहने वाला, 56 प्रकार के भोजन करने वाला, और ये टूटे फूटे चावल इसको मैं दूंगा तो दुनिया तो मेरी हंसी उड़ाती ही है, ये भी मेरी हंसी उड़ाएगा, इसलिए छुपा रहे हैं। तो कन्हैया ने जब पूछा कुछ भेजा है भाभी ने, तो सुदामा बोले अरे हमारे पास है ही का जो लेके आते, कछु ना है भैया, ब्राह्मणों पे का आशीर्वाद है बस। कन्हैया बोले सुदामा एक बार तू मुझसे छुप करके अकेला अकेला चने खा गया, तब का फल तो तू आज तक भोग रहा है। और देख आज मेरी भाभी ने कितने चाव से कितने भाव से मेरे लिए प्रसाद भेजा, तू छुपा रहा है। अब सुदामा आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे गुस्सा है गे। सुदामा बोले काय को पीछे बोलो प्यारे, वैसे एक बार कभी का कछु ना लाए तो कछु ना लाए, पीछे ही पड़ गए। अब देखो कन्हैया ने सुदामा का भाव समझ करके और पीछे से वो चावल की पोटली तालियां खींच ली, चावल की पोटली खींच ली, और सुदामा बेचारे बैठ गए आराम से, सोच रहे हैं सिर पटक पटक के अब तो जे भी मेरी हंसी उड़ाई हो। देखो सुदामा के जो तंबल लेके आए थे उनको कन्हैया ने ले लिया और पोटली खोली, और खोल करके उसमें से एक मुट्ठी चावल कन्हैया ने अपने मुख में डाले। ताली बजा दो। एक मुट्ठी चावल खाने के बाद तुरंत कन्हैया ने एक लोक की संपत्ति दान कर दी। इसके बाद दूसरी मुट्ठी भी खा गए कन्हैया, दूसरी मुट्ठी भी मुख में डाली है, ताली भी बजाओगे। तीसरी मुट्ठी जैसे खाने के लिए वो तो रुक्मणी भैया ने तुरंत ताली बजाओ, हाथ पकड़ा, और इसलिए हाथ पकड़ा तो अगर तीसरी मुट्ठी भी चावल खा लिए ना तो फिर अपने लिए कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ सुदामा को दे देंगे। ये तो बहाना था रुक्मणी का कि स्वामी मित्र के यहाँ का प्रसाद क्या अकेले खा जाओगे। देखो विश्वकर्मा के द्वारा जाकर के स्वयं कृष्ण कन्हैया ने सुदामा के लिए अलग से सुदामा पुरी सोने के महलों का निर्माण किया, और सुदामा ये सोच रहे हैं कि आज दूसरा दिन तो है गयो, खड़े है जाओ सुदामा, और अभी तो जाने एक रुपया दियो ना। वो सुशीला नायमानी जैसे बाकी बात में आकर जाके पास आया हो तो नहीं, जाके पास में करुण आया हो तो अरे जन माखन चुरा चुरा के खाया हो भला जी मैं कहा दे सके, जी मैं कहा दे सके, वो नाम मानो पास ही आयो जाके पास। और वो सुशीला बेचारी मांग मूंग के थोड़े से चावल लेके आई, सो भत्ते से बनो खाए हो एक रुपया बिना खा गए। कभी कभी तो सुदामा सोचे कि वैसे जब हम जाएंगे ना तो देगा जरूर, वैसे मेरा मित्र ऐसे है ना है बड़ा दयालु है। देखो कभी कभी तो कुछ सोच में आती, कभी कुछ सोच में आती है, ये तो बहाना है ना, ये तो बहाना है। दूसरे दिन नहीं तो मेरे सुदामा बोले कि कन्हैया भैया हम जाना चाहते हैं, देखो हमारी जो पत्नी है ना सुशीला बेचारी कहीं भटक रही होगी, इसलिए आप हमें विदा कर दें। देखो जब सुदामा ने कन्हैया से कहा ना कि विदा कर दो, तो कन्हैया ने भी सुदामा को ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि कन्हैया को पता है कि जब तक सुदामा लौट कर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मेरी सुशीला मैया व्रत धारण किए हुए बैठी रहेगी भूखी प्यासी, इसलिए जल्दी से सुदामा पहुंच जाएंगे तो कम से कम अपना व्रत तो खोल लेगी वो। इसलिए कन्हैया ने कहा कि जाना चाहते हो भैया के हाथ, तो चलो एक काम कर लो सुदामा भैया,
देखो जाना चाहते तो चले जाना है। सुनावा बोले लग कितनी जल्दी बोला है, कितनी जल्दी बोल रहे हो चले जाओ, एक रुपया देवे का नाम तो लियो ना और विदाई की तरकीब बहुत जल्दी जाए। हाँ एक काम कर रहे हो सुदामा भैया, देखो हमारी जो पत्नी है ना तो वो पैर छुएगी आपके और तुम आराम से बैठ के उन्हें आशीर्वाद दे दे। हाँ अब सुदामा जी ने हिसाब किताब लगाया, जाने तो एक रुपया दियो ना और जाकी पत्नी आएगी पैर सीधे के लिए, अगर एक एक रुपये विदाई में दियो तो 16108 पक्के बने रहे। एक एक रुपये मिले तो 16108 पक्के है कि नहीं। अब सुना आराम से बैठेंगे, चलो भैया जहां तक दियो ना ऐसे ही मिल जाए तो ठीक है। वैसे सुदामा ने कसी मांग होना है कन्हैया से बिल्कुल भी, देखो अपना दुख कभी मित्र को सुनाए भी ना, चाहे दुखी रहे बिल्कुल दुखी रहे लेकिन अपना दुख मित्र को ना सुनाए, क्योंकि हम तो दुखी है ही, अपना दुख सुना करके सामने वाले मित्र को दुखी ना करे बिल्कुल भी। तो सुदामा बैठी है, पत्नियां आ रही है, पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है और चली जाती है, एक रुपया नहीं दे रही है कोई भी। सुबह से शाम है गई, बैठे बैठे सुदामा को, सुदामा बोले कन्हैया इधर आ, ये बता सुबह से शाम है गई रे लाइन बंदना है रे, एक रुपया मिलो ना है, ये बता कितनी पत्नी पैर छू गई। कन्हैया बोले भैया सुदामा देखो अभी तो मुश्किल से आई होगी तो 500 बस। सुदामा बोले कि एक महीना तो आशीर्वाद में लग जा रहे हो और एक रुपया मिले तो हत नहीं, तब तक मेरी सुशीला बिचारी माँ तड़प तड़प के मच जाएगी। जैसे ऐसो भैया मेरे तो आशीर्वाद है सब के लिए, सदा खुश रहो भंडार भरे रहे, ताली बजा सब खुश रहो ठीक है। सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया, देखो जाते जाते एक बात और सुनो, सुदामा जब चले थे ना तो ये कहता था बेटे को देख कन्हैया वैसे तो तूने मुझे कुछ दिया नहीं है और दिया भी हो तो उसमें से अपना आधा वापस ले ले, तो जो दो लोग दिए थे ना कन्हैया ने उसमें से एक लोग सुदामा ने फिर से वापस कर दिया था कन्हैया को। अब सुदामा लौट करके अपनी नगरी की ओर आ रहे हैं, देखिए लौट करके अपनी सुदामापुरी में आए, ये तो बहुत बड़ी कथा हो जाएगी, टाइम का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सुशीला ने देखा और सुशीला पति को ले जाती है, आइए वो गाना भैया चलेगा, देना हो तो दे दी शाम है क्या उधर, आइए थोड़ी जगह बनाओ बीच में। हेलो देखिए अब सुदामा जी जा रहे हैं, ठीक है भैया बच्चों को बिठा रहे नीचे। जल्दी से निकालो और सब जगह आए हो गए थे।